दूसरी बात ये कि मान लीजिए आप दस्तावेज नहीं लाए, आप डॉक्यूमेंट नहीं ले पाए काउंसलिंग में, तब क्या करेंगे? तब होता है एक अंडरटेकिंग लिखा जाता है, ठीक है, उसमें एक एप्लीकेशन लिखा जाता है, क्योंकि ये सब भी बातें अंदर की हैं कि जब आप ना ले के आए तो थोड़ा रोआ धोआ जैसे मुँह बना के, सर मैं नहीं ले पाई मैं क्या करूँ अब तो वो बोलेंगे कि काम करिए, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए अंडरटेकिंग, ठीक है, कि इतने तारीख को इतने दिन को मैं अपना दस्तावेज जमा कर दूँगा, लिख दे कैसे कहते हैं मेन में, लेकिन हाँ मेन डॉक्यूमेंट मत छोड़ना जैसे EW वगैरह। नमस्कार, जय हिंद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। काहे कमरा नीचे ऊपर जाता है। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट तो आप लोग का आने वाला है और आ भी गया है, तो अब अगला सवाल होता है कि भैया काउंसलिंग कैसे होता है, काउंसलिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, हर चीज़। तो देखिए आज हम काउंसलिंग के बारे में एकदम शॉर्टकट डिस्कस कर लेते हैं, और कैसे काउंसलिंग कराना है, ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होता है, ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। तो देखिए ज़्यादा चाटा चुट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ हाँ, तो देखिए होता क्या है कि जब आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, आप मेरिट लिस्ट में आ गए, तो आपको एक कॉल लेटर जाता है कि हाँ भाई साहब, अब आपको काउंसलिंग के लिए आप जो है इतना नंबर लिया है, तो आपको कैंपस में काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, आप इतने दिन को कैंपस में उपस्थित रहेंगे अपने इतने सारे दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट को लेके। तो आप उस दिन जिस दिन डेट दिया जाएगा, उस दिन आप जहाँ पे लोकेशन दिया जाएगा वहाँ पे आप पहुँचेंगे। पहले बता देते हैं काउंसलिंग दो तरह से होता है। जब आप भरेंगे ना प्रिफ्रेंस एंट्री फॉर्म वगैरह, तो उस समय आपको पूछता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कराना है कि ऑफलाइन काउंसलिंग कराना है। हालांकि मेरा मानिएगा तो आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग कराइए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ऑनलाइन भी कराइएगा तो आप फिनो में आना ही पड़ेगा, इससे अच्छा है बेहतर ऑफलाइन कराइए, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, बहुत बार डॉक्यूमेंट नहीं लेता है, अपलोड नहीं हो पाता, तो वो समस्या आने लगती है, फिर रोना धोना ये वो होने लगेगा, तो इसलिए अच्छा कि ऑफलाइन बेहतर हो ज़्यादा, तो वो ऑफलाइन चूज करिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है ऑफलाइन में। तो मैं ऑफलाइन वाला सिस्टम भी बता देता हूँ। आपको मैसेज आ गया, इतने दिन को इतने तारीख को यहाँ पहुँचना है, आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट दस्तावेज होता है जो पूरा फाइलें लेकर पहुँचा करो। पहले बता देना है कि बच्चे गलती क्या करते हैं कि चार पाँच टे गिन लेंगे, 10th का हो गया, 12th का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको लेके मैं बस चलूँगी, बाकी फाइल रखूँगी। अरे तुम्हारे पास अगर डॉक्यूमेंट फाइल होता है ना 150 का जो आता है, उसमें तुम पूरा अपना फाइल रखे रहो, जो मेन काम का उसी को उठा करके चल दो, क्या दिक्कत है? अब कोई छूटेगा बढ़ेगा तो फिर रो धोगे, भाई मिला नहीं हुई, तो इससे अच्छा है कि ले लो पूरा फाइल ही लेके चलो ना, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको नहीं होता है, पूरा फाइल लेके आओ। पहली बात मैंने बता दे रहे हैं, अब इतना मोटा था फाइल होता नहीं कि बन अधिकारी की इतना फाइल होगा, पतला सा फाइल होता है, उसको पूरा लेके आओ, क्या ढूंढने में दिक्कत है, पूरा फाइल लेके पहुँचो। उसका जो भी दस्तावेज है उसका दो दो कॉपी करा लो, फोटो कॉपी मेन, ठीक है, मेन जो डॉक्यूमेंट होता है उसका तुम करा लो, कि तुम्हारे जीवन में आगे भी काम आएगा, ये नहीं कि खाली BHU में काम आएगा, करा के रखो, समझे, मैं फ्यूचर भी बता देता हूँ तो दो दो उसका कॉपी करा के अपने पास रख लो। उसके बाद क्या करना है कि आपको कैंपस में आना है, जहाँ पे दिया जाएगा जितने बजे टाइम दिया जाएगा उतने बजे आप पहुँच जाइएगा, ठीक है, एक रूम होता है, उस रूम में आप बैठेंगे, फिर उसको बारी बारी आप लोगों को बुलाया जाएगा, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होता है। सबसे बड़ी बात होता है कि आपका मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चेक होता है, ये नहीं कि फोटो कॉपी लेके आ गए और चेक करवाने के लिए, नहीं चेक करेगा तुरंत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसमें मेनली डॉक्यूमेंट होता है 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र भी ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, और ये जो STST की जो कैटेगरी वगैरह होती हैं वो सब ले लीजिएगा, कॉल लेटर ले लीजिएगा, यही सब लेना होता है, एक डॉक्यूमेंट और होता है वो प्रिफरेंस फॉर्म वाला, वो ले लीजिए, निकलवा लीजिएगा, यही सब मेन होता है, जो डॉक्यूमेंट सब ले लीजिएगा, जितना हो छोड़िएगा नहीं, समझे, क्योंकि फोटोकॉपी वाला यहाँ दिक्कत होता है, क्योंकि अगर आप कैंपस में काउंसलिंग कराने आएंगे तो दिक्कत क्या होगी कि आपको फोटोकॉपी कराने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाहरी आप जाएंगे, क्या मतलब है, या तो विश्वनाथ टेम्पल जाएंगे, इतना भीड़ रहेगा, इससे अच्छा है ना कि भाई 2 रुपया 4 रुपया और खर्चा करके फुल डॉक्यूमेंट करा लो, 2 कॉपी ओरिजिनल जितना मेरे पास, पैन कार्ड का भी करा लो, ड्राइविंग भी करा लो, सब रखो, इन फ्यूचर काम आएगा, क्या दिक्कत है, इतना पैन कार्ड आधार कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं इसका नहीं कर रहा पैन कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस 10th 12th जो तुम्हारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो सब करा लो, स्पोर्ट सर्टिफिकेट है उसका भी करा लेना, अगर स्पोर्ट कोटा लगा हो तो चलिए डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट तुम लोग समझदार हो, बाकी तुम ले लोगे कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद वहाँ जा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, उसके बाद वहाँ जाके काउंसलिंग में बैठ जाना है, ठीक है, वहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होगा, टाइमिंग के हिसाब से स्टार्ट होता है। दूसरी बात, बारी बारी से अब सभी लोग अपना अपना दस्तावेज लेके जाएंगे, वो बुलाया भी जाता है, इतने से इतने
के बीच में, इतने से इतने के बीच में, उसके हिसाब से जाइएगा। दूसरी बात और क्या होता है कि अगर किसी को जल्दी हो या फिर जल्दी ना भी हो, जिसका सिस्टम होता है उसका पहले काउंसलिंग हो जाता है। जैसे कि मैं अपना सिस्टम नहीं, मतलब मैं जैसे यहाँ तक पढ़ा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ तो मुझे यहाँ के टीचर्स जानते हैं, तो मैं तुरंत जाऊँगा, भैया चाहे कितनों बजे जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे लाइन लगा के खड़े हैं, हालांकि गलत बात है पहले करा लेना, लेकिन मैं यहाँ का छात्र हूँ तो मैं फ़ायदा भी तो उठाऊँगा। ये थोड़ा इसका जल्दी करा दीजिएगा, मेरा भाई है या फिर मेरी बहन है या फिर मेरा दोस्त है या मेरी गर्लफ्रेंड है तो या मेरी गर्लफ्रेंड की बहन है ताली है तो इसका करा दीजिए। हाँ लाओ भैया, तो ये सब भैया लोग पहचान के हैं, सब सीनियर रहते हैं सर लोग यहाँ, तो फट उनका काउंसलिंग हो जाता है। कुछ लोग जाते हैं तो सुबह से बैठे रह जाते हैं, तीन तीन चार चार घंटे हो जाते हैं, नहीं भी हो पाता है। तो ये सब अंदर की खबरें हैं जो कि सब नहीं बताता, केवल मैं बताता हूँ इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं, बहुत चीज़ें अंदर की खबर बताऊँगा मैं है ना। तो ये हो गया, उसके बाद काउंसलिंग वहाँ होगा, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट आपका चेक हो जाएंगे, जब चेक हो जाएंगे तो फिर सिस्टम में अपना अपलोड कर देगा कि हाँ भैया इनका फलाने जी का पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही है। दूसरी बात, बहुत बार क्या होता है कि जब आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरेंगे उसमें बहुत बार आप गलत भी भर देते हैं, लेना कुछ और आता है, ले कुछ और आते हैं। प्रेफरेंस वाला जानते हैं क्या होता है, मतलब ये कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन होता है ना सब्जेक्ट का, जो भी आप पहला सब्जेक्ट लेंगे वही आपका ऑनर्स रहेगा दो साल, तीसरे में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बीए का बता देता हूँ, सपोज करिए बीए में आपको बीए में कोर्स है हिंदी, हिस्ट्री और कोई मान लीजिए ज्योग्राफी, तो अगर आप पहला में हिंदी ले लिए, कॉम्बिनेशन हिंदी क्या था यार, हिंदी हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो हिंदी अगर पहले ले लिए तो आपका ऑनर्स हिंदी होगा, अगर आप पहले हिस्ट्री ले लिए हिस्ट्री उसके बाद हिंदी उसके बाद ज्योग्राफी, तो आपका अगर मिलेगा तो हिस्ट्री होगा, ठीक है। इसके हिसाब से जो भी पढ़ना होगा उसको पहले रखना है, फिर धीरे 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 करते जाना, और कोशिश करना प्रिफरेंस एंट्री में जब तुम भरो हो तो ज़्यादा ज़्यादा भर दो, क्योंकि चांसेस क्या रहता है ना कि ज़्यादा ज़्यादा भरोगे तो वो वाला नहीं मिलेगा, तो नीचे वाला मिल सकता है, उसके नीचे ऐसा तो मिल सकता ना, चांस रहेगा ना, ये भर देना। और बहुत चीज़ें हैं कैसे एडमिशन लेने का और भी है, वो सब मैं बाद में बताऊँगा, इतना वीडियो लंबा हो जाएगा कि बनाते रह जाएंगे। खैर ये हो गया, दूसरी बात क्या बता रहे थे, क्योंकि मान लीजिए आपका रैंकिंग कम है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी, आप दो तीन को भरवे किए हैं, नहीं मिलेगा, मिलवे नहीं करेगा ऑनर्स आपको, कम हो जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि आप ज्योग्राफी को कॉम्बिनेशन में रख लीजिए और ऑनर्स को हिंदी को रख लीजिए, हिंदी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे आप लेकिन ऑनर्स नहीं रहेगा, थर्ड ईयर में चेंज करा लेना मिल जाएगा। तो ये सब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो है लेने का एडमिशन। खैर मैं क्या बता रहा था, काउंसलिंग, तो काउंसलिंग में आपका डॉक्यूमेंट जो है पूरा दस्तावेज चेक होगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में वो चढ़ाएंगे कि हाँ इनका पूरा डॉक्यूमेंट जो है बढ़िया से चेक हो गया, ये बढ़िया ठीक ठाक पाए गए हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, हो गया, आप जाइए घर, आप घर जाइए, आपका डॉक्यूमेंट सब अच्छे से चेक हो गया उसके बाद आपको मैसेज आएगा, अगर आपका काउंसलिंग सब पूर्ण रूप से हो गया तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपका काउंसलिंग सुचारू रूप से हो गया है, अब आप जल्दी से ही 6 बजे से पहले फीस पेमेंट कर दीजिए, वरना आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा अगर आप नहीं पेमेंट कर पाए तो आपको तुरंत फीस पेमेंट करना होगा, अगर नहीं किया आप तो एडमिशन से बर्खास्त, ख़त्म, टाटा बाय बाय, नो एडमिशन। एडमिशन फीस पेमेंट कर दीजिएगा, बस हो गया आपका एडमिशन, कोई अब दिक्कत नहीं, एक बार फीस जमा कर दिए ना, बीएचयू में यही है, एक बार फीस जमा कर दिए उसके बाद यहाँ पर कोई एडमिशन लेने से मना किया, खचक 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 कहते कोई मना नहीं कर सकता है, मना क्यों बवाल कर दिया जाएगा, बस यहाँ फीस का है, फीस कैसे जमा कर दो हॉस्टल हॉस्टल का हुई और फीस जमा कर दो, एक बार फीस जमा कर दो उसके बाद तो तुम कोई दिक्कत नहीं, मिलना ही मिलना है, लेना ही लेना है, ये सब चीज़ें होती हैं सब अंदर की खबरें। खैर मेरे को कभी उठा लेगा सब, कहेगा बहुत अंदर की खबर देते हो सर। और दूसरी बात ये कि मान लीजिए आप दस्तावेज नहीं लाए, आप डॉक्यूमेंट नहीं ले पाए काउंसलिंग में, तब क्या करेंगे, तब होता है एक अंडरटेकिंग लिखा जाता है, ठीक है, उसमें एक एप्लीकेशन लिखा जाता है, क्योंकि ये सब भी बातें अंदर की हैं कि जब अपना लिख के आए तो थोड़ा रोआ धोआ जैसे मुंह बना के सर मैं नहीं ले पाई मैं क्या करूँगा अब तो वो बोलेंगे कि काम करिए आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए अंडरटेकिंग, ठीक है, कि इतने तारीख को इतने दिन को मैं अपना दस्तावेज जमा कर दूंगा, लिख दे कैसे कैसे मेन, लेकिन हाँ मेन डॉक्यूमेंट मत छोड़ना, जैसे EWS वगैरह होता है वो सब मत छोड़ना, ये सब के लिए नहीं मिलेगा, जनरली जो कुछ होते हैं नॉर्मल कैटेगरी वाले और EWS वाले ये सब मत छोड़ना, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी कोई अर्जी फर्जी डॉक्यूमेंट हो, इनकम वगैरह ये सब नहीं ले पे आए तो इन सब के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लाया तो सब के लिए लिख सकते हैं।
हाँ, और रही बात ये आपका डॉक्यूमेंट का भी बात कर लिए, काउंसलिंग का बात कर लिए, बस आपका काउंसलिंग हो गया। अब आपका क्लास का वेट करिए कि आपका क्लासेस कब से शुरू होंगी, वो भी मैसेज चला जाएगा आपको। फिर आपको आईडी पासवर्ड वगैरह बनाने को सब कुछ मिलेगा, वो पहले ही बना लेंगे आप, पहले बन जाता है। तो बस यही सब बातें हैं यार, ऐसे ही काउंसलिंग होता है और कुछ नया इसमें नहीं होता है। बस हवा क्यों बनाना है, और कोई डर का माहौल नहीं रहता है। लोग डरते हैं ना कि काउंसलिंग है, क्या होगा, कैसे होगा, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे। यहाँ के बहुत अच्छे जो प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, सब हैं, अच्छे से काउंसलिंग होता है। मैं भी रहूँगा, मैं भी आईडी कार्ड पहन के एकदम आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूँगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। और जो मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे उनका मैं काउंसलिंग कराऊँगा, पहले करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस पहले बता देना, मैं भैया मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, आपकी वीडियो देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बस भैया भूल गदगद अब क्या, चलो चलो तुम्हारा काउंसलिंग कराया आओ लो। और एंट्री लगी फॉर्म वगैरह भी होता है, उसका भी तुम लोग का डाउट होगा कि कहाँ मिलता है, तो देखो ये फॉर्म यही मिल जाएगा, ठीक है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और बाहर से भी ले सकते हो, बाहर भी साइबर कैफे वगैरह के भी एंट्री लगी डोजियर फॉर्म वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो कोई निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब हो जाएगा। फोटो कॉपी वाला जो बताया है ना कि सबका दो दो कॉपी करवा के रख लेना, बाद में मत करना कि भैया ये डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास, मतलब ये फोटो कॉपी नहीं है, क्योंकि फोटो कॉपी का मैं नहीं सुनवाई करूँगा दादा, जाओ कराओ, मशीन लेकर थोड़ी ना घूमो। तो इसलिए फोटो कॉपी वाला पहले करा लेना, दो दो कॉपी करा लेना, ज़्यादा ही करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फोटो वोटो भी अपना ले लेना, और क्या, और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी बाकी भैया हम रहेंगे तुम लोग के साथ मदद के लिए। और एक चीज़ और क्या बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे कुछ लोग झांसा देते हैं कि आइए हम आपको काउंसलिंग करा देंगे, इतना रुपया लेंगे। वो सब फर्जी का मत करना, किसी को पैसा रुपया एक रुपया नहीं दोगे, पहले बता दे रहे हैं। काउंसलिंग वाउंसलिंग का एक रुपया नहीं लगता है, कुछ नहीं दोगे किसी को। यहाँ सब सारे चिरकुट हैं, आधा बहुत सारे चिरकुटाई करते हैं, खाली पैसा खाने के लिए, नशा पत्ती करने के लिए, बस अपना वो सब करेंगे। वो सब झांसे में मत आना, करना कि हम करा लेंगे भैया, थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत नहीं, हम करा लेंगे, ठीक है वो सब। हाँ बस यही बात बताना था, इसीलिए हम कहें कि तुम लोग नए हो तो बहुत बार बना देते ना, बहुत बार यहाँ कुछ चूरन भाज ऐसे ना जो ये कहेंगे कि ना भाई मेरे को इतना रुपया दे दो मैं तुमको हॉस्टल दिलवा दूंगा, कुछ नहीं दिलवा पाएगा, वो साला खुद बेरोजगार घूम रहा है, उसका हॉस्टल दिलवाएगा। तो ये सब पैसा रुपया का झांसा हम पहले बता रहे, कभी मत देना, कुछ नहीं होने वाला, सब लालच देते हैं, ठीक है, किसी को नहीं, पैसा रुपया किसी को नहीं देना। बाकी मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो देखा जाएगा, कैसे ना कैसे करके मिलेगा, सबको नहीं मिल पाता। देखो ये रियलिटी बता रहे हैं ना, चाहे भगवान की आ जाएंगे तो कहाँ से दिलवाएंगे, छात्र इतने ज़्यादा हैं, हॉस्टल कम है, कहाँ सबको मिल पाएगा यार, नहीं मिलता है। सब डेलीगेसी वाले हो जाते हैं, मतलब रूम लेकर बाहर रहते हैं, चाहे बाहर हॉस्टल लेकर रहते हैं, तो सबको नहीं मिल पाता है। तो अच्छा रैंक लाया होगा तो मिलेगा, हॉस्टल नहीं लाया होगा तो नहीं मिल पाएगा, बात खत्म, यही रियलिटी है। बाकी थोड़ा बहुत होता है तो वो चीज़ सबके साथ नहीं होता है, और सबके पे लागू भी नहीं होता, और हर बार होता भी नहीं है, ये भी रियलिटी है। तो ये सब चीज़ें बताना पड़ता है यार, जो है सच्चाई है। इसलिए बस यही है कि झांसा में मत आना किसी को, किसी को पैसा नहीं देना, कंपनी का टाइम किसी को पैसा नहीं देना, किसी का चक्कर मत पड़ना। हाँ, अगर सगे संबंधी भैया लोग हैं तब ठीक है, जो जिसको जानते हो पहले से, जो है पढ़ता हो उनको जानते हो तो उनसे उनके साथ चले जाना, नहीं तो अन्य नए लोगों के साथ ज़्यादा बुक करने की जरूरत नहीं है। बस अपना अपना कराओ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, और भी जो लगे जिनसे और भी जो भी हैं जिनसे आप परिचित हो उनसे बस कराना, नए लोगों से ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, ये सब के सवाल होंगे तुम लोग के, क्योंकि सवाल तो पूछने वालों का ऐसा ही सवाल रहता है ना, क्या बताएं। पेरेंट्स के साथ आ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स को लेके आओ, पेरेंट्स बैठेंगे आपके बाहर में ही इंतजार करेंगे, आपको केवल अंदर जाने की अनुमति होगी, आप अंदर जाएंगे और पूरा जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे तो करिएगा, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। कोई गलती मिस्टेक हो जाता है लिखने में तो उसको काट कर नीचे लिख दीजिएगा, ये सब भी बहुत सारे परेशानियाँ होते हैं, सब परेशान होते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो हमको बताना, बाकी हम कराएंगे, क्या दिक्कत है ना। चले फिर, बाय, कोई दिक्कत हो मैसेज कर देना।